ये हमारी सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड 1 में हम लोग ने देखा था कि कैसे कार्टून नेटवर्क इंडिया के पास से पोकेमोन के राइट्स हंगामा टीवी चैनल तक पहुंचे थे। पोकेमोन ऑन कार्टून नेटवर्क, चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट इन इंडिया वॉज बूमिंग, पोकेमोन सेकेंड कमिंग और बिल्डिंग द ब्रांड। और एपिसोड 1 में हम लोग ने आपसे वादा भी किया था कि एपिसोड 2 में हम लोग देखेंगे ड्रीम थिएटर, जो कि पोकेमोन कंपनी ऑफिशियल लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। उन्होंने कैसे पोकेमोन के प्रोडक्ट्स को जो है इंडिया में लॉन्च किया और कैसे उससे टीवी को सपोर्ट मिला। साथ में जब दो चैनल्स आपस में टकरा गए थे, यानी कि कार्टून नेटवर्क और हंगामा, जो कि अलग अलग सीजन्स दिखा रहे थे एक ही शो के, और दोनों में से किसकी टीआरपी ज्यादा थी वो भी इस वीडियो में आपको पता चले। और साथ में वीडियो के लिए इतना वेट किया आप लोग ने और इतने एक्साइटेड थे आप लोग पार्ट 2 के लिए, तो एक बोनस भी होना चाहिए। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना कुछ बोनस चीजें ऐड की जाए। बोनस चीजों से आपको पता चल ही गया होगा कि पोकेमोन XY की बात होने वाली है इस वीडियो में, कि ड्रीम थिएटर ने कैसे XY की मर्चेंडाइज को इंडिया में लॉन्च किया और उससे कैसे टीवी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। और ये भी देखेंगे कि ड्रीम थिएटर ने क्या क्या चीजें लॉन्च की थी, और साथ में मूवी 1 और मूवी 2 की टीआरपी कितनी थी व्यूअरशिप के हिसाब से इंडिया में जब वो पहली बार प्रीमियर हुए थे हंगामा टीवी चैनल पे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एनिम असेंबल। सो गाइस, PIIS यानी कि पोकेमोन इन इंडिया स्पेशल्स विद A2 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोकेमोन इन इंडिया से रिलेटेड काफी ज्यादा अमेजिंग चीजों के बारे में। तो ये सीरीज काफी ऑसम है और काफी लंबी भी चलने वाली, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जाके भी बहुत अमेजिंग चीजें हम लोग को इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि जब भी सीरीज के आगे के एपिसोड्स आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सारे एपिसोड्स को बिना रुके बिना किसी रुकावट के देख पाएं। और हर बार की तरह ही इस वीडियो का लाइक एम है 2200 लाइक्स, तो आई होप आप सब कंप्लीट कर देंगे। और साथ में शेयर भी करना, ताकि दूसरे पोकेमोन फैंस को भी पता चल सके इन्हीं अमेजिंग डिटेल्स के बारे में। तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी। हंगामा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने चैनल का 30% जो है एयर टाइम वो पोकेमोन को देने वाले हैं, यानी कि जितने भी शोज हंगामा टीवी चैनल पे आ रहे थे उनमें से 30% एयर टाइम, यानी कि 30% तक पोकेमोन ही एयर होता था। इट्स जस्ट अमेजिंग मैन। हंगामा टीवी लोडेड था पोकेमोन के 17 सीजन्स के कंटेंट के साथ, जहाँ पे उनके पास दिखाने को बहुत कुछ था, यानी कि सीजन 17 XY भी था, जो कि इंडिया का सबसे पसंद किया जाने वाला सीजन भी है। तो इतना सारा कंटेंट और इतने सारे सीजन्स ने उन्हें एक अच्छा चांस दिया कि वो एक बेहतर प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी बना पाए आने वाले 3 से 4 सालों के लिए, क्योंकि पोकेमोन एक बहुत ही लॉन्ग सीरीज है और जिसका हर एक एपिसोड एक दूसरे एपिसोड के साथ कनेक्टेड रहता है। तो हंगामा टीवी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग आइडिया था कि वो पोकेमोन को नई जनरेशन ऑफ किड्स के सामने प्रेजेंट कर पाए, वो भी बहुत ही इवॉल्व्ड शो वॉचिंग एक्सपीरियंस के साथ। प्रोग्रामिंग प्लान कर ली गई थी, जहाँ पे वीकडेज यानी कि मंडे से फ्राइडे सीजन 1 के एपिसोड्स एयर किए जा रहे थे, जहाँ पे 6 महीने के अंदर ही ये शो टॉप रैंक करने लगा था। और हंगामा को एक हेल्दी बैलेंस भी बनाना था एग्जिस्टिंग व्यूअर्स यानी कि जो ऑलरेडी पोकेमोन के फैंस थे, और उन्हें नए व्यूअर्स को भी कैप्चर करना था। तो एक एपिसोड एक दिन वो एयर कर रहे थे। इसी एक एपिसोड के कारण काफी लोगों के अंदर हैबिट बन चुकी थी कि वो हर दिन पोकेमोन का वेट करेंगे, और वीकडेज पे हमें एक एक एपिसोड्स देखने मिल रहे थे दोपहर 1 बजे। साथ ही साथ उन्होंने रिपीटिंग स्लॉट्स भी ऐड कर दिए थे, ताकि अगर किसी का एपिसोड मिस हो जाता है तो वो आसानी से रिपीट सेक्शन में उसे देख ले। एक और टूल जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता था व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए, वो थी पोकेमोन मूवीज। जापान में 1997 से हर साल समर में एक ना एक पोकेमोन मूवी रिलीज होती है, तो हंगामा ने सोचा कि क्यों ना इसे इंडिया में भी लाया जाए, जहाँ पे हिंदी डब में पोकेमोन मूवीज को रिलीज किया जाए। तो होना क्या था, पोकेमोन की मूवी 1 म्यूटो का बदला और मूवी 2 एश पिकाचू और लुगिया एंड डेंजर दोनों को ही 2015 में एयर किया गया था। तो अब बात करते हैं दोनों ही मूवीज की टीआरपी के बारे में। मूवी 1 को रैंक किया गया था नंबर 1 चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग कैटेगरी में, हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स और पैन इंडियन कैटेगरी में। इससे बढ़कर क्या हो सकता है, इतनी जगह रैंक 1 हासिल किया था उसने। वहीं पर मूवी 2 को देखा था 5.5 मिलियन व्यूअर्स ने, जो कि बहुत ही बड़ा रेशियो है। ए हिस्टोरिकल मूवमेंट इन इंडियन किड्स। बात है 2015 की, जहां पे पोकेमोन का जोटो सीरीज दिखाया जा रहा था, और अचानक से एक हिस्टोरिकल मूवमेंट कहीं से आ जाता है, और ये हिस्टोरिकल मूवमेंट और कोई नहीं बल्कि आपका पोकेमोन XY होता है। हंगामा टीवी ने ही जोटो सीरीज के चलते चलते अचानक सीजन 17 को हिंदी डब करके टीवी पे एयर करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे हम लोग को सीजन 17 देखने मिलता था वीकेंड्स के सैटरडे पर, और मुझे वो टाइम अच्छे से याद है, तब मैं XY बहुत देखा करता था। और इसी के चलते पोकेमोन सीजन 17 XY बना इंडिया का मोस्ट लव्ड पोकेमोन सीजन, क्योंकि उसमें अच्छी एनिमेशन और अच्छे पोकेमोन तो थे ही, और एक सीक्रेट चीज भी थी, जो की थी सरीना।
अगले पॉइंट से बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना जिससे जब भी सीरीज के नए एपिसोड आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कार्टून नेटवर्क वर्सेस हंगामा टीवी। पोकेमोन ने हंगामा टीवी के जरिए काफी ज्यादा टीआरपी गेन कर ली थी और कार्टून नेटवर्क इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट पोकेमोन कंपनी के साथ अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ था, जहाँ पे अभी भी उनके पास पोकेमोन के कुछ राइट्स बचे हुए, जहाँ पे हंगामा अपनी ओरिजिनल सीरीज जोटो को एयर कर रहे थे वहाँ पे कार्टून नेटवर्क पोकेमोन सीजन 14 ब्लैक एंड व्हाइट को एयर कर रहे थे। और अगर मैं आपको एक टीआरपी दिखाऊं तो आप लोग चौंक जाओगे। इस टीआरपी बोर्ड में आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन सा चैनल जीता है। ऑफ कोर्स हंगामा ही जीता था कार्टून नेटवर्क से। हंगामा की टीआरपी पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा थी और ये टीआरपी हमें दी है पोकेमोन इंडिया ने, तो उनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो ये दो चैनल जब आपस में टकराए थे तो जीत हुई थी हंगामा टीवी चैनल की पोकेमोन एक्स वाई मर्चेंडाइज एंड ग्राउंड मार्केटिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रीम थिएटर पोकेमोन कंपनी ऑफिशियल के लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग पार्टनर थे इंडिया के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट रेंज ऑफ पोकेमोन प्रोडक्ट्स जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे स्कूल के बच्चों को, जैसे कि टिफिन बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, बैग, स्टेशनरीज, प्लस टॉयज लॉन्च कर दिए इंडिया में और उनकी सेल भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। कार्टून नेटवर्क को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही मिल पाए थे ना कि मर्चेंडाइजिंग राइट्स, तो इस चीज से तो इसके जरिए पोकेमोन ने काफी कुछ सीखा था। पोकेमोन कंपनी ने अपना लाइसेंस टाई अप कर लिया कोकुयो कैमलिन और फन स्कूल के साथ, जहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए और ड्रीम थिएटर ने पोकेमोन एक्स वाई की मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर दी थी, वो भी इंडियन एक्स वाई लोगो के साथ जो कि इंडिया में एक्स वाई का लोगो बना था जो कि प्रोमो में भी यूज किया गया था, और कैमलिन ने कॉन्टेस्ट भी रखा था पोकेमोन एक्स वाई के लिए और भी काफी कुछ। स्क्रीन पर आपको एक मर्चेंडाइज दिख रही होगी जो कि पोकेमोन एक्स वाई की इंडियन मर्चेंडाइज है, जहाँ पे इंडियन एक्स वाई लोगो का यूज भी किया है, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सब इंडिया में सेल हुए थे और अभी भी होते हैं। कैमलिन की तरफ से एक डिजिटल कैंपेन भी लॉन्च हुआ था पोकेमोन और पोकेमोन एक्स वाई के लिए, जो कि इंक्लूड करते थे पोकेमोन की ऑनलाइन गेमिंग, कॉन्टेस्ट, फन एक्टिविटीज और साथ में फन फैक्ट्स अबाउट द ब्रांड। पोकेमोन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो बन गया था, बिगर एंड बेटर देन एवर। पोकेमोन सीजन 1, 2 और 3 हंगामा पे चल रहे थे और सुपर हिट रहे थे उसके लॉन्च के साथ ही, और 57.1 मिलियन स्ट्रॉन्ग ऑडियंस थी अक्रॉस इंडिया, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा रेशियो है, जिसमें 24.2 मिलियन किड्स थे और बाकी एडल्ट्स भी थे जो कि पोकेमोन को देख रहे थे। इसी के चलते हंगामा ने रात के 9 बजे भी एक पोकेमोन का रिपीट टेलीकास्ट का स्लॉट ऐड कर दिया था। सो बस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको एपिसोड 2 पसंद आया होगा PIIS यानी कि पोकेमोन इन इंडिया स्पेशल्स विद A2 के साथ, और ये सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग रहेगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो, और एपिसोड 3 भी जल्द ही आएगा। एपिसोड 3 के बारे में मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँ, तो एपिसोड 3 के लिए आप लोग इतना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना जैसे आप लोग एपिसोड 2 के लिए एक्साइटेड थे, उसमें भी हम लोग बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में आपके सारे पोके फैंस दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इन अमेजिंग चीजों के बारे में जान पाए, और चैनल पे नो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जैसे एपिसोड 3 आए और कुछ नए वीडियोस आए हमारे चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बिना रोके उन सब वीडियोस को देख पाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेटर पोकेमोन और एनिमे फैन बने रहें।